तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं विग्रन्ति ये भूरिदा जना। परिच्छेद तीन। तृतीय दर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मास्टर महाशय इस अध्याय के प्रारंभ में ये श्लोक गीता का कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी आएगा कि श्री राम कृष्ण सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं एटसेट्रा। इसलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम् ईक्षते योग युक्त आत्मा। योग युक्त आत्मा, जो व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित है, आत्मा में जो योग के साथ प्रतिष्ठित है, वह अव्यक्ति सर्वत्र और जो समदर्शन है समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, समत्व में प्रतिष्ठित है, वह सर्वभूतस्थम आत्मानं पश्यति। अमा समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और सर्वभूतानि च आत्मनि, और अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है। अपनी आत्मा समस्त प्राणियों में देखता है और अपने में समस्त प्राणियों को देखता है। वही बात आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसके पहले वाले जो सेशन में जप के बारे में बात हुई थी, और उसके बाद में पोस्ट सेशन पीरियड में कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप जप के बारे में थोड़ा सा और बताइए, है ना, थोड़ा सा और बताएं, इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ घटनाएं याद आती हैं, कुछ संतों की और भी पौराणिक कथाएं। हनुमान जी जब सीता जी का दर्शन करके आए तो भगवान ने पूछा कि सीता जी के बारे में बताओ, क्या देखा, तो क्या करूं बताऊं प्रभु जी, प्रभु उनके तो प्राण अब निकलने ही वाले हैं, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि वो जो उनके जहां से मुंह से निकलेंगे प्राण, वहां पे एक द्वारी बैठा है, गेटकीपर बैठा है, वो निकलने नहीं देता है, और वो गेटकीपर है राम का नाम, वो कंटिन्यूसली आपका नाम लेती रहती हैं, राम का नाम लेती रहती हैं, इसलिए वो निकल नहीं पाता। दूसरी घटना है, एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कहिए या उनके कंटेम्परेरी कहिए, एक संत हरिदास करके हुए थे, और ये हरिदास यवन थे यानी मुसलमान थे, लेकिन भगवान के भक्त हो गए और हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। तो संभवतः मुसलमानों को लगा कि ये तो हमारे लिए एक कलंक है कि ये व्यक्ति मुसलमान होते हुए भी हिंदू भगवान का नाम लेता है, तो इसको कुछ इसको बदनाम करना चाहिए। तो उनको टेम्प्ट करने के लिए एक वेश्या को भेज दिया। तो वो आई उनके पास में, तो के आपसे मिलना है, बात करना है, मैं जप कर रहा जरा पूरा हो जाए। ठीक है, वो पूरा हो ही नहीं, एक घंटा दो घंटा कंटिन्यूस कर रहे हैं, फिर बराबर जब भी वो आए बराबर कंटिन्यूस निरंतर जप करते करते उसको उनकी संगत में उसी देर बैठे हुए उसका चित्त पवित्र हो गया, उसने पश्चाताप किया, उसका जीवन बदल गया।
कंटिन्यूस जप, माँ 100,000 जप करती थी दिन भर में। 100,000 जप कैसे होगा, सेकंड कितने होते हैं दिन भर के, 24 घंटे, उसमें 60 मिनट तो कितना हुआ, 1440 इंटू 60। तो भी 100,000 नहीं होता, 100,000 मिनट नहीं है, सेकंड नहीं है, फिर भी 100,000 जब करते हैं ऐसा। इसके ऊपर एक कुछ भक्तों से मेरे को बात हुई, तो क्या करते हैं वो, एक जप को राम 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 राम, एक हुआ राम 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 राम, दो राम 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 राम, तीन राम 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 राम, चार। इस तरह की भी एक परंपरा है, पांच जप को एक जप में, तो पांच जप इस तरह का हो गया। अच्छा, ये भी ना करें तो भी ऐसा टाइम तो, और माँ खाना भी बनाती थी, बर्तन मांजती थी, ठाकुर को करती थी, ऐसे में फिर 100,000 जप कैसे होगा, हर सेकंड में एक, एक सेकंड में एक तो होना चाहिए कम से कम, फिर भी नहीं होगा। एक स्टाइल ये बताई, दूसरी स्टाइल जो भी काम करती थी उसमें माँ का जप चलता रहता था। और वो एक प्रसिद्ध बड़ी सुंदर घटना है, ये भवतारिणी की, बताया ना मैंने, वो छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, वो ठाकुर माँ के साथ में रही कुछ दिनों तक, 6 महीने 8 महीने। माँ की कजिन सिस्टर लगती थी वो, माँ की मासी की लड़की, और ठाकुर के परंपरा में भी वो कुछ लगती थी, उधर से भी कुछ लगती थी। तो कुछ दिन रही ठाकुर के पास में, और वो बड़ी सुंदर घटनाएं हैं उसकी, कि वो माँ उसको प्रत्येक, माँ के पास कमरे में रहती थी, माँ प्रत्येक दिन उसको बोलती थी ठाकुर के फोटो को प्रणाम कर। रोज वो ठाकुर को जाके प्रणाम करने जाती थी, कि ठाकुर को प्रणाम करो, तो कह रही है तो उनका फोटो है, देखे नहीं फिर भी प्रणाम कर, तो प्रणाम करना, माँ कहने ठाकुर के फोटो को प्रणाम करने को। और रोज जब ठाकुर को प्रणाम करने जाती थी तो ठाकुर क्या करते, जो प्रणाम करते थे उसको उठा के गोद में बिठा लेते थे। अरे तू क्या प्रणाम करेगी रे, मैं तेरा भार तो मैंने ले लिया, परमानेंटली ठाकुर ने उसका भार ले लिया था। लेकिन फिर भी कष्ट हुआ सारे जीवन उनको, जीवन में कष्ट हुआ। आखिरी जीवन में तो उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसके पुत्र के और उसके पुत्र के पुत्र की मृत्यु हुई, ऐसा एक शॉर्ट पीरियड में हुआ। कलकत्ता में था वो, इतने हैरान हो गए, छोड़ के कलकत्ता छोड़ के काशी आ गई थी, अंतिम समय में काशी में रही, हम लोगों ने उनका दर्शन किया। तो वो बाई रोड बूढ़ी हो गई थी, और ठाकुर की सारी बातें वो जो भी होता था वो बताती थी। तो एक दिन माँ दाल बना रही थी, माँ ने देखा कि ठाकुर के कमरे में कोई नहीं है, माँ के पास, माँ के कमरे में पर्दा था और छेद थे थोड़े, इसमें से माँ ने देखा कि वहां कमरे में कोई नहीं है। लेकिन माँ ने कहा कि ठाकुर से मिल आऊं, इसमें तो मुलाकात नहीं होती। तो माँ ने उसको कहा कि, उसको कहा क्या बोलते थे उसको, हाबी हाबी, अभी तू बैठ, तो ये दाल बन रही है तू बैठ, और जब दाल उबलने लग जाए तो पानी डाल देना। तो चली गई माँ, चली गई। जब लौट के आई तब उबलने ही वाली थी, माँ ने कहा हट हट जा, और माँ बैठ गई, तो कंट्रोल किया। तब देखा कि वो हाबी ऐसा मुंह चला रही है। तो ठाकुर ने पूछा मुंह क्यों चला रही, माँ ने पूछा कि मुंह क्यों चला रही, देखिए आप जब दाल बनाते हो तो आप मुंह चलाते हो। अरे तेने नोट किया कि हाँ, मैंने ध्यान दिया कि मैं ये जप नहीं करती, मैं जप करती रहती। तो कहिए अजपा जप वट एवर इट इज। तो अब जो कल जो बात कही थी उसमें तो ये था कि कॉन्सेंट्रेट करके जप करना चाहिए, एक नाम कृष्ण पूरा पुकारा द्रौपदी ने, एक बार के जप से भगवान आ गए। जब गज अपनो
जब बल गज अपनो बरतियो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल होय बलराम पुकारियो आए आधे नाम। तो व्याकुल होकर तीव्रता से नाम पुकारना, दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड। तद जप तद अर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप करो और उनके अर्थ का चिंतन करो। भावना, भावन भी, भावना भी होना चाहिए, इंटेंसिटी तीव्रता होनी चाहिए। ओके, तो फिर ये निरंतर जप करने का क्या लाभ? निरंतर जप कैसे करना? बार बार जप कंटिन्यूस करना, मन इधर उधर जावे, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं है। इट इज लाइक, मैं कहता हूं कि वो कर रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, करने दो ना, करने दो, हो जाओ, कलेक्शन हो रहा है। अरे आप इसके अलावा यदि जप नहीं करोगे तो कुछ दूसरी बकवास करोगे, पर निंदा पर चर्चा करोगे, इसके बदले बोलते चले जाओ, कोई बुरा नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंट इज तद अर्थ तद भावना, और ये वे ऑफ पिलग्रिम में जो है कैसे जप करना। और अगर भगवान के नाम में रस आने लग जावे तो फिर छूटता नहीं। प्रेमानंद जी की बात है, स्वामी प्रेमानंद जी एक बार ढाका गए थे ये लोग, और वहां पे प्रीचिंग वर्क के लिए, अब अरेंजमेंट तो किया था लेकिन ये तो ऑल आउट का जमाना तो था नहीं, और उन्होंने मच्छरदानी भी नहीं बनाई लगाई। अब वो बेचारे रात को सोए, मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर, क्या करेंगे। तो वो बैठ के जप करने लग गए, और जप करने लग गए तो मच्छर न मच्छर बिल्कुल साफ, भूल गए गहरे जप में, ध्यान में निमग्न भगवान के नाम में, जैसे कहा। और दूसरा एक दृष्टांत है उसका, एक कौवे का, वचनामृत में ही आता है कहीं पर, ये कौवा है वो प्यास से मर रहा है, पानी पीने जाता है लेकिन पी नहीं पाता, क्यों? कंटिन्यूअसली वो जप कर रहा है, कंटिन्यूअसली जप कर रहा है, नाम नहीं छोड़। तो अगर भगवान के नाम में अगर रस आने लग जावे तो बहुत अच्छा। इसलिए पतंजलि कहते हैं अर्थ भावनम, अर्थ का भावना करना। अर्थ क्या है भगवान के नाम का? वहां पर वो कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, ओम को की बात कही है, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर के प्रणिधान से, ईश्वर में के मन में ध्यान से होता है। ईश्वर क्या है, डेफिनेशन दी है इनके, ईश्वर क्या है, वही इज द क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तस पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, इत्यादि सब तीन प्रकार के डेफिनेशन करके दी है। इतना डेफिनेशन क्यों दिया, इसके पीछे भाव है, और मैं आप दृष्टांत से समझाता हूं। आपके सपोज आपके पुत्र का नाम है अमित, हम मिले, आपने इंट्रोड्यूस किया, स्वामी जी ये हमारा पुत्र है अमित। अच्छा अच्छा, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, मिला, क्या करते हो? मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ। ओके ठीक है, उसके बाद में आप जब कहेंगे मुझे अमित, अमित शब्द जब कहेंगे तो मेरे को उसकी याद आएगी, जितना मैं जानता हूं। अच्छा, और जो अमित की माँ है उसके लिए वो अमित शब्द का क्या अर्थ होगा? वो अर्थ जो होगा वो मेरे अमित शब्द के अर्थ के बराबर होगा कि नहीं होगा? भिन्न होगा। तो इसलिए जब राम का नाम लेंगे, रामकृष्ण का नाम लेंगे, तो आज से 50 साल पहले या 25 साल पहले आपकी जब मंत्र दीक्षा हुई थी तब आपको रामकृष्ण का नाम दिया था, आपको बोला था वचनामृत को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब उसके बाद नाम लेंगे। उस समय श्री रामकृष्ण के बारे में जितना जानते थे वो रामकृष्ण शब्द से रिप्रेजेंट होता था, लेकिन अब उसके बाद 25 साल तक आपने श्री रामकृष्ण का लीला प्रसंग भी पढ़ा, श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम वो भी पढ़ा,
वचनामृत को बार बार पढ़ा, श्री रामकृष्ण के तीर्थ स्थानों को जाके आपने देखा, लोगों से मिले, श्री रामकृष्ण के बारे में प्रवचन सुने। अब श्री रामकृष्ण शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं बदला? इसलिए कहते हैं उसको, अर्थ को समझने के लिए आपको बाकी चीजें आवश्यक है, तब अर्थ भावना ठीक ठीक होती है। वही नाम लेते हैं लेकिन उसके बाद में जो बाद में मन में दिमाग में बात आती है वो। इसलिए ध्यान में कहते हैं अर्थ भावना करो तो क्या होगा, श्री रामकृष्ण जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, उनका जन्म जयराम कमारपुकुर में हुआ और वहां से लेकर काशीपुर गार्डन हाउस में जो शरीर गया तो वो सारा उसके पीछे है। वो सद्गुणों के समूह हैं, करुणामय हैं, दयामय हैं, संयम वाले हैं, काम कांचन त्यागी हैं, ये सब उसके पीछे, वो शब्द के पीछे आ गया। और उसके बाद में सच्चिदानंद स्वरूप भी हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, वो भी आ गया। अब देखिए ये एक शब्द कितना महत्वपूर्ण हो गया। तो जब जब करना है सदा नाम गुणगान करना, इसके लिए आवश्यक है कि हम साधना करें, उसकी जानकारी प्राप्त करें, उस शब्द का जो अर्थ है उसको गहराई से और समझने का प्रयत्न करें, उसके बाद में जप करें। और जप करने के लिए तीन कंडीशन कहा, निर्जन में, निःशब्द, एक मन से, अनुराग पूर्वक। और अभी ये अभी हमको देंगे वो सुभेद को, वो ढूंढ के दिया, मिला। प्रेयर मस्ट बी डन, कई जगह पे कहा है जो है कि वो बहुत अच्छा है कि प्रे विदाउट सीजिंग जो है, निरंतर भगवान का जप करो। उसमें कैसे करना, मुंह से करो, एकाग्रता से करो, दूसरे विचार न होए, उसी का चिंतन करो, भावना इमोशनल फीलिंग होना चाहिए, जप के प्रति इंटेंसिटी होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा मैकेनिकल जप भी करो ना, कोई बात नहीं, दो इट इज नॉट द बेस्ट, लेकिन एक आदत बना ली, बैठकर एक आसन पर बैठकर हम 10 माला, 20 माला, 30 माला करेंगे, आदत बना ली। एक बार जब हो जाएगी आदत तो उसके बाद में थिंग्स बिकम इजी, आसान हो। तो इतना जप के संबंध में, एक्चुअली करना चाहिए, उसमें आनंद आता है। और मैंने जैसा कहा और आज मॉर्निंग में भी जब मेडिटेशन कराया, मैंने कहा जप कीजिए और उसको मन ही मन सुनिए, मन ही मन सुनना चाहिए। जैसे मन ही मन हम रूप का ध्यान करते हैं, वैसे ही मन ही मन जप को सुना जा सकता है। यहां पे जैसे कंडीशन दी है, द कंटिन्यूअस इंटीरियर प्रेयर ऑफ जीसस, वो लोग जप को प्रेयर कहते हैं, वहां सब जप जैसी चीज चैंटिंग ऑफ नेम वगैरह नहीं है, जप को वो लोग प्रेयर कहते हैं। और उनके यहां पर इस किताब में, द वे ऑफ ए पिलग्रिम में है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर, इतना बड़ा मंत्र, जैसे आपका गायत्री मंत्र है ना, लंबा मंत्र है वैसे, देखो ओम भूर भुव स्वः तत्सवित, इतना सब गायत्री, फिर कहते हैं ना कि गायत्री का जप करना, तो ओम भूर भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो मम, एक हुआ, उसके बाद ओम भूर भुव स्वः, फिर के ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लंबा नंबर नाम है, फिर ओम नमः शिवाय, उससे भी छोटा है, राम और छोटा है, ओम और छोटा, तो अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। यह मंत्र है लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर, उसमें से अगर सिनर भी हटा दिया जाए, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। और ठाकुर आग मजेदार बात कहते हैं कि जब तन्मयता होने जाती है तो जब जो है वो छोटा होता जाता है,
निताई अमर माता हाथी, निताई अमर माता हाथी, उसके बाद हाथी 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 हाथी, उसके बाद हार जाता है। तो तन्मयता होने पर ये सब हो जाता है। यहाँ पर कंडीशंस कहा है ठाकुर ने, जो चार कंडीशन बताई, निर्जन में, निःशब्द, एक मन से, अनुराग पूर्वक, और यहाँ पे बताई है द कंटिन्यूअस इंटीरियर प्रेयर ऑफ जीसस इज ए कॉन्स्टेंट अनइंटरप्टेड, निरंतर बिना रुके कॉलिंग अपॉन द डिवाइन नेम ऑफ जीसस, ठीक है, लॉर्ड जीसस नेम विद द लिप्स, जीसस जीसस जीसस, राम 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 विद द लिप्स। ठाकुर इसमें क्या बोलते हैं, तीन प्रकार के जप होते हैं। ये हुआ वाचिक, राम 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 राम। दूसरा है उपांशु, जीभ हिल रही है लेकिन राम राम मुंह बोल रहा, अंदर हो रहा, मुंह होंठ हिल रहे हैं, हृदय मनीमन हो रहा है। और तीसरा है मुंह बंद, मनीमन करना, मनीमन श्रेष्ठ है। ठाकुर लेकिन कहते हैं राखाल को देखता हूं तो मेरे को भाव हो जाता है। क्या होता है, राखाल का है ना ओंठ चल रहे हैं, निरंतर जप करता है वो, तो ओंठ देखते ही देखता हूं अरे वो जप कर रहा है, तो मेरा को भाव हो जाता है, तो वो उपांशु जप कहते हैं। ये कहते हैं क्या है, मुंह से करो, इन द स्पिरिट इन द हार्ट, दो किया है, इन द स्पिरिट इन द हार्ट, स्पिरिट यानी भाव से, और हार्ट में हृदय में मन को एकाग्र करके, वाइल फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस। हृदय में जाप करोगे और उसके साथ उसका ध्यान करोगे। मेरे को प्रश्न किया कुछ लोगों ने कि जप करने के बाद में जप करने के साथ ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ध्यान के साथ में जप छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। शुरू शुरू में जप के साथ ध्यान करना है, बाद में अगर ध्यान गहरा होगा तो जप छूट सकता, जब इतने तन्मय हो गए तो नाम छूट गया और हृदय में ध्यान बना हुआ। एंड इम्प्लोरिंग हिज ग्रेस, और भाव क्या है, भावना, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर कृपा करो। तो ये भावना की बात हो गई, हृदय में ध्यान किया, हृदय में जीसस का, इष्ट का अपना चिंतन किया और तन्मय होकर किया है कॉन्स्टेंट इसके, और ये प्रार्थना मनी मन भाव ये है, प्रभु मुझ पर कृपा करो, इम्प्रोविंग हिज ग्रेस बाय ए प्रेजेंस, इम्प्लोरिंग इज ड्यूरिंग एवरी ऑक्यूपेशन एट ऑल टाइम, सब समय काम करते हुए, एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस, सब समय बाथरूम जाते हुए भी, एंड इवन ड्यूरिंग स्लीप। और मैंने दृष्टांत बता दिए थे, इसी का है ये, क्या करता है कि वो उसको बोलते हैं और रात को जब करते करते नींद आ जाती है, जब उठा तो देखता है कि जब चल रहा। ब्यूटिफुल, ये इतना इम्पोर्टेंट पैसेज है, मैंने अपनी किताब में अपने आर्टिकल्स में भी इसको मैंने कोट किया। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर जप, इस तरह आप कीजिए तो जप बिकम्स वेरी पावरफुल मीन्स। मैंने यतीश्वरानंद जी से पूछा था, महाराज मुझे जप करना नहीं अच्छा लगता, ध्यान करना अच्छा लगता। हम घूम रहे थे वहां पे हैदराबाद में, पुराना बेगम पेट एरोड्रम हैदराबाद में, उनकी वॉकिंग स्टिक से चल रहे थे तो खड़े हो गए, और वॉकिंग स्टिक से उन्होंने स्टिक को लेके रास्ते में डॉट्स लगाए, रास्ते में डॉट्स लगाए, तो 10-12 डॉट्स लगाए। दिस इज जप, फिर उन्होंने उस लाइन उसको डॉट्स को जोड़ दिया, दिस इज मेडिटेशन। इंटरप्टेड थिंकिंग इज जप, कंटिन्यूअस थिंकिंग मेडिटेशन। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला जप लीड्स टू मेडिटेशन। तो योर आंसर नाउ हैज बीन, क्वेश्चन हैज बीन डन, जप लीड्स टू मेडिटेशन।
रेगुलरली एक्चुअली अगर आप ध्यान भी करें ना, हमारा तो इंटरप्टेड ध्यान ही होता है। हम लोगों का ध्यान जो हुआ टूटा टूटा ध्यान ही होता है, सीधा ध्यान नहीं हो पाता, एक प्रकार का वो जप ही है। तो कल जो ठाकुर ने कहा, सदा सर्वदा भगवान का नाम करो, गुणगान करो, इस किताब में भी उसी को कहा है, कंटिन्यूअसली करो, मैकेनिकली करो, फालतू करो, करो तो अरे कहीं ना कहीं कुछ कुछ जाएगा, अंदर अंदर जाएगा, और धीरे 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 सबकॉन्शियस चेतन अचेतन मन आपका बदल जाए। देखिए आध्यात्मिक जीवन में चेतन मन में कुछ काम एक्टिविटी साधना करना इसका भी महत्व है, और अचेतन मन में करना भी इसका महत्व। अचेतन मन में करने का अर्थ क्या है, ये हमने गेरवा धारण कर लिया, मैं क्या सोचता हूं कि मैंने गेरवा धारण किया, मैं क्या सोचता हूं कि मैं सन्यासी हूं, नहीं, ये लेकिन अचेतन मन में मेरे को बता रहा है। इसमें कहानी बड़ी मजेदार है, एक किसी कमरे में का हो गया, ये पिलग्रिम कई जगह पे जाता है, घूमता है, वो घूमता हुआ एक किसी के यहाँ पे ठहरता है और विश्राम, जैसे यात्री है, उसका कोई निवास नहीं है, वो कहीं ठहरा उसके यहाँ, उसने देखा कि वहां पे एक बाइबल रखी हुई है, तो उसने क्रॉस है, बाइबल रखी हुई है, तो उसने कहा कि तुम बाइबल पढ़ते हो, तो क्या नहीं पढ़ना नहीं जानता, तो फिर बाइबल क्यों रखी है, कि मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन शैतान जानता है, तो शैतान जैसे यहां पे आएगा देखेगा बाइबल है तो भाग जाएगा। क्या मतलब, ये अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अपने कमरे में आप फोटो लगा लीजिए और मत देखिए उनको, यू डिड नॉट लुक एट देम, येट यू विल फाइंड कर परिवर्तन हो गया है कुछ, या दूसरे श्रृंगार के चित्र लगा लीजिए, कुछ लोग श्रृंगार के अपने घरों में जाते हैं, श्रृंगार के चित्र वित्र होते हैं, वो उसका वातावरण वैसा ही हो जाएगा, आप देखो ना देखो वातावरण बदल जाएगा, अचेतन मन पे उसे प्रभाव पड़ता है। और अभी मैंने बताया आप लोगों को, पिछली बार भी बताया था, अभी सुधा नागेश्वर राव का फोन आया था, अभी जस्ट बिफोर सुधा बहन का, हाँ, तो वो कह रहे थे कि आप लोगों को वो आके देखा था, देन आप लोगों को ऑनर किया था, वो सब किया था, सब बात कर रहे थे, तो उनके घर की बात मैंने बताई ना, उनका घर जो है वो बिल्कुल मंदिर है, सारा घर फोटो ही फोटो, बड़ा ब्यूटीफुल फोटो, श्री कृष्ण के सुंदर फोटो, बहुत अच्छा, इट इज जस्ट लाइक। अब वहां कमरे में घर में जाओ तो मैंने जैसे ही जा रहा था, स्वामी जी जूते ले जाए, नहीं मैंने कहा देखा मैं ले जा ही नहीं सकता, यहाँ फोटो ही फोटो है तो मैं कैसे ले जाऊंगा, ड्राइंग रूम में भी, यहाँ तो अपने यहाँ सब जगह जूते चलते, उनको बाहर छोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक जीवन में अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये अजपा जप करना है तो मन इधर उधर जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो इस कंडीशन के साथ आप अगर करोगे तो बहुत लाभ, बहुत लाभ। एकाग्रता से करिए तो बहुत अच्छा। तो ये सदा नाम गुणगान करना, ये हो गया, और बाकी चीजें हम डिस्कस कर सके हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। मास्टर उस समय वरहानगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे, जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है, मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, मानो वे वही में कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इस गंभीर आध्यात्मिक इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उसका उनका ज्ञान प्राप्त किया, इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं।
ये मास्टर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आकर्षण ठाकुर के प्रति हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होवे, मन लगा रहे, खींचा रहे कब जाएं। तो वो खुद की बातें तो ज्यादा नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शुरू शुरू में जब आश्रम में जाना चालू किया तो ऐसा ही था, इमरजेंसी ड्यूटी से भाग जाता। इमरजेंसी ड्यूटी है, आरएमओ थे तो मेडिकल वार्ड देखना पड़ता था, 20 मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock, 12 घंटे की ड्यूटी। इवनिंग आरती का टाइम हुआ आश्रम में, हम ही लोग चलाते थे, वो संत स्वरूपानंद जी चले गए थे, ये तो इसको मालूम है ना। हम लोग चलाते थे, मैं, रवि, नरे, वो एक लेले, चार जने थे, और आरती के टाइम जब भी होता था मैं चला जाता था। सत्सुरपाने चले गए थे, एक कम हॉल में वो लोग रहते थे। आरती का टाइम हुआ कि उसके पहले मैं सब वार्ड का राउंड लेके देख लेता था, जिसका ब्लड प्रेशर देखना है, ड्रिप लगानी है, ये सब कर लिया, और उसके बाद मैं सीएमओ को बोल देता था, सीएमओ जो इंचार्ज, तो मैं अभी आ रहा हूँ भाई, 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम जरा देख लेना, कोई इमरजेंसी हो तो उसको देख लेना, और चला चला भाग जाता था। और वहां से जैसे ही वापस आ जाते, जैसे ही आरती खत्म हुई, हम लोग करते थे ना खंडन प्रबंधन आरती, और खत्म हुई वापस आया, अगर जाओ जाओ तो अभी मैंने इमरजेंसी एक केस एडमिट किया, उसको देख लो। वही वो चल रहा है, सोशल गैदरिंग चल रहा है, या वो एनुअल डे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, संडे आ गया, आश्रम है तो सत्स्वरूपानंद जी जब थे तब भी भाग जाते थे आश्रम, वो सब छोड़ छाड़ के भाग के आश्रम चले जाते थे, वो उनका लेक्चर प्रवचन अटेंड वगैरह करते थे, फादर बड़े नाराज होते थे। तो ये एक आकर्षण टान जिसे कहते हैं, ये भगवान के लिए उनके मन में हुआ, किस तरह से कहां कहां पे है, कहां पे कीर्तन हो रहा है, कहां पे भजन हो रहा है, कहां पे प्रवचन हो रहा है, वो खोज रखना, वहां चले जाना। इस तरह से किसी न किसी प्रकार से मन उस तरफ खींचना चाहिए। ये मास्टर महाशय की बड़ी अच्छी अवस्था हो गई ठाकुर के प्रति उनका आकर्षण। अगर ये ना होवे तो कम से कम ये लगे, ये ठाकुर की किताब है, ये किताब पढ़ी, दूसरी किताब पढ़ी, रेमिनिसेंसेस ठाकुर को एस वी सोहिम, डायरेक्ट डिसाइपल्स की जीवनी पढ़ी, कहां कहां से क्या क्या बातें हैं, ये किसी न किसी प्रकार से हमारा मन भगवान की ओर जुड़ा रहे। अभी हमारा मन क्या है, सब समय इस विषयों की ओर, संसार की तरफ आकृष्ट रहता है, नहीं, किसी न किसी प्रकार से लगा रहे ईश्वर का। तो ये मास्टर महाशय को ये स्थिति हुई है, उसके बाद में वो ये सोचने लगे कि ये एक निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला। और पहले वो सोचे थे कि पुस्तकें, वो उन्होंने पूरा वृंदा से पूछा था कि पुस्तकें पढ़ते हैं, तो क्या ये नहीं पुस्तकें, अपने से उनको बिना पुस्तकें क्या आगे, ये भी आश्चर्य की बात। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये साधना की बात है, एक तो हम लोग जैसे प्रवचन करते हैं तो पहले तो हम लोग नोट्स लेते थे, पढ़ते थे, उसके बाद में तैयार करते थे, कई किताबें पढ़ते थे तब उसके बाद करते थे, ग्रेजुअली ये चीज जो है वो नेचुरल हो जाती है। और जो आध्यात्मिक जीवन में, ठाकुर की बात तो छोड़ ही दीजिए, ठाकुर की बात तो छोड़ दीजिए, ठाकुर स्वयं कहते हैं कि माँ रास छेल देती है, जब मैं बोलता हूँ माँ जगदम्बा पे पूरा कोई व्यक्ति से वो हो गया, और कभी कभी डरते थे कि मैं जाऊंगा क्या होगा। एक दृष्टांत भी है, शायद केशव चंद्र सेन आने वाले थे श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए, या और कोई पंडित आने वाले थे, तो श्री राम कृष्ण बार बार झाऊतल्ला जा रहे हैं, बार बार टट्टी लग रही है उनको, घबरा गए, अब वो आएगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन जब वो आए तो वो बोलते चले गए, अद्भुत बातें होने लगी। तो एक और तो बिल्कुल बच्चे जैसे, मैं नहीं जानता, और कोई व्यक्ति सचमुच अगर बच्चे जैसा हो जावे, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से, माँ के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड हो जावे, तो कुछ नहीं। छोटे बच्चों को भी मैंने एक आध बार कहीं घटना हुई है, देखा है,
अच्छा बोलो तो वो कविता बोलो तो, कि मेरे को नहीं मालूम, याद नहीं, बच्ची छोटी बच्ची 5 बरस की, नहीं नहीं तुझे मालूम है बोल तो। वो बोल देती, पूरे बोल देती, इट इज इन द अनसबकॉन्शियस, यू नो कॉन्शियस माइंड में वो खेल चल रहा है, कहा कॉन्शियस माइंड में रेस्टलेसनेस है, सबकॉन्शियस माइंड में वो भूल गई, उसको मालूम नहीं, अरे नहीं मालना बोलना तेरे को मान, वो बोल देती। तो इट इज लाइक दिस, अगर हम भगवान के बच्चे हो जावे तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती। उनको तो सारा लेक्चर आ जाता था क्या मुझे बोलना है, वो सोचते थे सारा लेक्चर उनको पूरा क्या बोलना है, वो पूरा के पूरा आ जाता। इट इज सेम थिंग, भगवान रास खेल देते हैं इस पीछे से। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया, वरानगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर बैठे हैं, कमरा भक्तों से ठसासस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन करने के लिए आए। छोटा सा कमरा था, आप लोगों ने जिन्होंने देखा है वो जानते हैं वो कमरा छोटा सा ही है। इसमें फोटो भी दिए है ना आपके कमरे में, ठाकुर के कमरे का फोटो भी है ना, हाँ छोटा सा कमरा। कई भक्त दर्शन के लिए आए, उस समय मास्टर का किसी से परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक और जाकर बैठ गए। देखा श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख होकर वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री राम कृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र, जो आगे स्वामी विवेकानंद हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार हैं, बातें जोशीली हैं, चेहरे पर भक्ति भाव। ठाकुर स्वामी जी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं शायद इसमें है रोमा रोला की किताब लाइफ में है, उन्होंने कहीं पे ये कमेंट किया है इसके ऊपर, इट वॉज लाइक ए तलवार, खिंची हुई तलवार के समान स्वामी विवेकानंद एलवेस तेज पूर्ण। बाद में दृष्टांत भी आएगा कि कुछ बैल होते हैं तो उनके ऊपर पीछे प्रभात रखो तो सो जाते हैं, और दूसरे जो बैल हैं वो उठ के तेज हो जाते हैं, वो तेजस्वी। उसकी घटना मैंने पिछली बार कहीं बताई होगी, फिर भी बताता हूँ, कई लोग तो नए आए हैं। स्वामी विवेकानंद एक दिन श्री रामकृष्ण के पास गए और स्वामी विवेकानंद के आपने बड़े बाल भी तो देखे ना, वो ऐसे ऐसे बाल स्वामी विवेकानंद के ना, एक एक फोटो है जिसमें बाल ऐसे हैं, तो ऐसे बाल उन्होंने लगाए रखे थे। तो श्री रामकृष्ण के पास जैसे गए तो उन्होंने ऐसे बाल ऐसे पकड़ के बड़ा ढोंग करचे मीन्स बड़ा फैशनेबल है, फैशनेबल है तू, फैशनेबल। तो स्वामी जी भी वो खाप खुना तलवार उसको छोड़ने वाले नहीं है, आप भी तो फैशन करते हो, तो परमहंस हो गए, परमहंस हैं और क्या, मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छर गद्दे पे सो रहे हैं, मच्छरदानी है। अगर परमहंस तो क्या हुआ, या तो वो कॉपी लगाए, गेरुआ पहने, जमीन पे सोए, हाँ मच्छरदानी लगाते हैं, गद्दे पे सोते हैं, आप भी तो परमहंस से फैशन करते हैं। श्री राम कृष्ण कहा ठीक बोले, ठीक कहा तूने, तू भी अगर माँ जगदम्बा का काम करेगा तो इतने बड़े गद्दे पे सोएगा, ऐसा उन्होंने किया। उसका स्टोरी को मुझे दूसरे प्रकार से बताना चाहिए था। श्री राम कृष्ण एक बार अपने कमरे में बेलूर मठ के कमरे में, बाद में अमेरिका से लौट कर आ गए थे, बेलूर मठ कमरे में सो रहे हैं। आप लोगों ने जिसने बेलूर मठ में श्री राम कृष्ण का कम स्वामी विवेकानंद कमरा है वो देखा होगा, एक खटिया है, फॉरेनर लोगों ने प्रेजेंट किया, बड़ी ऊंची पूरी खटिया और इतना बड़ा गद्दा है उसमें, स्वामी जी उसके ऊपर सो रहे थे, अचानक जंप करके उठे और मेजर किया, ठीक इतना ही बड़ा, दौड़कर ठाकुर के पुराने मंदिर में, उस समय टेम्पल नहीं बना, मंदिर में जाके साष्टांग प्रणायाम किया। लोगों ने पूछा कि क्या बात हुई, किसी ने देखा उनको क्या बात है, तब उन्होंने कहा ये घटनाएं पूरी बताई कि ये ऐसा हुआ था, एक बार उन्होंने कहा था कि इसने पुसो लिया।
अनजाने में भी ठाकुर ने जो बोला वो सत्य निकला। याद रखिए, अनजाने जैसी चीज ऐसे महापुरुषों के लिए नहीं होते जो सत्य प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन फोर्सी नेचुरल जो होने वाला है बिल्कुल स्पष्ट उनको दिखाई देता है। तो नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं, ये मैंने कहा कि तेजस्वी, और स्वामी विवेकानंद भी तेजस्वी चाहते थे। वो तो बोल कहते हैं कि अरे ढीले ढाले नहीं, साउथ इंडिया में जो युवक वगैरह मिले दुबले पतले, अभी मैं गया था वहां था कडप्पा में, एक लड़का दुबला पतला लड़का, अच्छा वर्कर है वो वहां का, सब काम करता है, बहुत अच्छा लड़का दुबला पतला है। तो बातचीत में उसने मेरे से पूछा कि स्वामी जी उपवास करना चाहिए, निर्जला करना चाहिए या फिर कुछ फल वल खाना चाहिए। मैंने कहा कि साले तुझको तो खाना चाहिए, उपवास की बात करता है, तेरे शरीर में कुछ बल तो है नहीं, फूंक मारूंगे तो उड़ जाएगा तू। स्वामी जी ये थोड़ी चाहते थे, तू चाहते तो खाओ पियो मोटे हो, मेरे प्रबल स्ट्रेंथ तो हो, इसके बाद में करना। तो स्वामी विवेकानंद जी जब देखा था साउथ इंडिया में इस प्रकार के लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी हम आपने जो सेवा कार्य किया वो करना चाहते हैं, आपके शिष्य होना चाहते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं जो कहूंगा वो करोगे? हाँ हाँ, जो ही तो करेंगे। हम कहें डाका डालने को कहेंगे तो कर सकोगे? मैं हत्या करने को बोलूंगा तो कर सकोगे? तो मुझे घबरा गए। स्वामी जी ने कहा कि उसके लिए भी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, करेज चाहिए, तब तुम मेरी आध्यात्मिक जीवन इतना आसान नहीं है। इट नीड्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन। तो ये स्वामी विवेकानंद का संक्षेप में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा, और अनुमान बातचीत हो रही है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। पता नहीं आप लोगों को जीवन में ऐसा कुछ होता है क्या? होता है, कहते हैं कहते हैं क्या कहते हैं? मेरे को तो एक एक्सपीरियंस है बस, बिल्कुल शुरू शुरू में संसार संन्यास के बाद में, मैं जस्ट संन्यास हुआ था, उसके बाद में शायद मैं वहां मायावती जा रहा था या क्या कर रहा था, तो ट्रेन में बैठा हुआ था ऑर्डिनरी थर्ड क्लास में, तो किसी ने कहा, दूसरे को बुलाया, अरे अरे इधर आओ इधर आ, ये बाबा जी बैठे हुए हैं, इधर आ इधर आ। टॉन्ट मुझे टॉन्ट करते हुए तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, तो चेहरा गर्म हो गया था, लाल हो गया था। अच्छा, और मुझे तो सुवीरानंद, और कॉलेज में तो वो मेरे सुवीरानंद। मुझे मेरे मेरी जो थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट किताब में अपने बैग में रखता था, अपने स्टेथोस्कोप बैग में, तो एक एक ने उसके ऊपर अशोकानंद लिख दिया था अपने मित्र। उसके बाद कई वर्षों बाद मिला वो मुझसे, तो भाई देखा था, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा किया, वो अब वो सब अप्रिशिएट करते हैं। उस समय सब मजाक करते थे। तो एवरी वन हैज टू फेस दीज थिंग्स। अगर आप नए दूसरे ढंग से जाओगे और संसार से अलग भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करोगे, तो थोड़ा सा इस प्रकार का थोड़ा सा उपेक्षा का भाव कहिए, निंदा का भाव कहिए, ये सब है। कई बातें हैं, एक तो यस, एक दूसरी बात यह है कि उसको कुछ लोग शायद खराब भी समझते हैं, एस्केपिज्म समझते हैं, है?
वेस्टेज ऑफ टाइम जो भी हो उसको बुरा समझते हैं। यू आर नॉट, संसार का काम नहीं कर रहे हो तुम, कुछ भी कर नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो इसके पीछे में। देयर इज व्हाट आई से, वही वो लोग समझते हैं इस तरह। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र कहता है, मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री राम कृष्ण साहस से कहते हैं, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं। सबका हास्य, सर्वभूतों में परमात्मा का वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसीलिए बाघ को भी गले लगाना चाहिए। लोग हंसते हैं। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों सुने? क्यों न सुने? एक कहानी सुनो, ये एक कहानी है, संक्षेप में जल्दी से पढ़ डालते हैं। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को उपदेश दिया, समस्त सर्व प्राणियों में नारायण का वास है, सभी को नमस्कार करना चाहिए। एक दिन शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में शोरगुल मचा कि भागो, पागल हाथी जा रहा है। सब भागे लेकिन शिष्य नहीं भागा। उसको यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी भागो भागो उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर दूर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया, बेहोश हो गया। खबर गुरुजी के पास पहुंची, वे शिष्यों के साथ उनके आश्रम में उठाकर लाए, दवाई की। जब होश आया तो किसी ने पूछा कि तुम हाथी आते हुए तुम वहां से हटे क्यों नहीं? उसने कहा, गुरुजी ने कहा था जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का वास है, नारायण ही सब कुछ कर हुए हैं, इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे, उन्होंने कहा, बेटा हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं, तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? महावत नर की बात भी मान लेनी चाहिए सभा से। नाउ ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक छोटी सी घटना इसके संबंध में बता के बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में जब था, तो प्रश हर सप्ताह एक बार संडे के दिन ट्रेनिंग सेंटर के जो पहले प्रिंसिपल थे हमारे, बहुत ऊंचे कट के संत थे, उनके दर्शन करने जाता उनके पास। संडे के दिन क्लासेस नहीं होती थी। मैं ट्रेनिंग सेंटर में नहीं था, सॉरी, उसके पहले मैं 6 महीने तक बेलूर मठ में एज ए डॉक्टर था। स्वामी जी लोगों को सबको देखना, ट्रीटमेंट करना, एग्जामिन करना, सब मेरा ड्यूटी था। अभी ब्रह्मचारी था मैं, सफेद कपड़े में। और सप्ताह में एक दिन वो ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल जो थे, भव महाराज नाम था उनका, बोधात्मानंद जी, उनके पास में जाता था, उनसे टाइम ले लिया था। उन्होंने कहा कि तुम 8:30, 9 बजे आना, मैं उनसे बातचीत करूंगा उनसे, और इस संबंध में भी मास्टर महाशय की भी चर्चा करेंगे। एक दिन मैं गया और जैसे दरवाजा खुलते है ना, तो यू नो इट इज इस प्रकार का दरवाजा आपने खोल दिया, उसके इस तरफ एक कुर्सी रहती थी, उसमें भी बैठ गया। सामने छोटा सा कमरा, सामने उनकी टेबल, उसके पीछे उनकी कॉट, बस। तो बैठा था वहां, वो खड़े हुए थे। मेरे को, मैं कहा बैठो यहाँ पे, तो कुर्सी पे बैठ गया। तब मैं उस तरफ देख रहा हूँ, बाहर को नहीं देख रहा हूँ। वे अपने खड़े हुए बाहर दरवाजे से देख रहे। मैं कहने लगा, महाराज सभी ब्रह्म हैं। तो कह, यस, सभी ब्रह्म तो हैं, लेकिन कुछ ब्रह्म से दूर रहना चाहिए, ये सेम थिंग। और फिर उन्होंने मुझे बाहर दिखाया। मैंने मुड़ के देखा खिड़की से, एक लंगूर, यू नो दिस, ये भी देखे ना, ये लंगूर, ब्लैक मंकी,
वो बिल्कुल सामने वहां पे बैठा हुआ है, इस डिस्टेंस से वो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के दूसरे एंड पे वो बैठा हुआ आती है, वो देखो। वो बोलते बोलते हुप करके वो दो जंप करके और उनकी टेबल पे आके बैठ गया। क्या हुआ था कि कुछ साधुओं ने उसको खाने को दे दिया था, तब जब साधु देखता तो खाना मांगता। अब मैं पीछे खड़ा हुआ हूं, वो वहां पे खड़े हुए, महाराज पीछे, वो उसकी तरफ देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं और मुझे कहते हैं, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या करूं, तुम कर कुछ नहीं, तुम पीछे जाओ, मेरे पीछे जाओ और मेरी वॉकिंग स्टिक वहां पीछे खड़ी हुई है वो मुझे दे दो। वो नहीं टर्न करना चाहते क्योंकि वो बंदर को देख रहे हैं कंटिन्यूसली। मैं पीछे गया, ऊपर से वॉकिंग स्टिक निकाली और उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने हाथ में लेके और जैसे उसको दिखाया बचा रहा। तो देट इज एक्चुअली वॉट इज हैपन। नाउ यहाँ पे जो बात कही गई है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विचार आप व्यवहार और विचार में सावधानी रखना। सभी ब्रह्म हैं, लेकिन शेर को आप आलिंगन नहीं करोगे, दूर से प्रणाम करोगे। सभी ब्रह्म है इसका मतलब नहीं है कि किसी भी आप स्त्री को के साथ कैसा भी व्यवहार करोगे। आप सन्यासी हैं तो हम सब ब्रह्म को देख रहे हैं, लेकिन हमको अपनी मर्यादा में रहना है, उसके अनुसार व्यवहार करना। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सभी ब्रह्म है, दिस इज द फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन व्यवहारिक जीवन में एक व्यवहार में ब्रह्म नहीं लाना, अद्वैत नहीं लाना, चिंतन में अद्वैत, व्यवहार में नहीं लाना। यू मस्ट डू कंडक्ट अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र के अनुसार आपको व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन का या कंडक्ट का। कैरेक्टर ऑल्सो मस्ट बी वेरी प्योर, कंडक्ट ऑल्सो मस्ट बी वेरी प्योर, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। हमारा चरित्र तो पवित्र होना चाहिए, लेकिन कंडक्ट में कई लोग सावधानी नहीं बरतते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये शुरू शुरू में हम नहीं समझते थे, हम प्रॉब्लम कर देते थे, तब किसी स्वामी जी ने कहा कि यू सी आई डोंट डाउट योर कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र ठीक है लेकिन तुम्हारा कंडक्ट ठीक नहीं। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि साधु होवे जितेंद्रिय होवे तो भी उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि लोग उसके साथ उसको देखकर सीखेंगे, उसको लोग देखकर सीखेंगे, उसके मन की बात तो नहीं सीखेंगे, उसको देखकर सीखेंगे। यही ठाकुर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप अपना डिसीजन लो, लेकिन हाथी को तो आप नहीं जाओगे मिल, उसके सामने खड़े तो नहीं होगे, स्तुति तो नहीं करोगे, आपने को निर्णय खुद लेना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट खुद करना पड़ेगा। एवरी वन यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट। इसलिए व्यवहार में अंतर होता ही है। एक ही सिचुएशन में कई प्रकार, चार सन्यासी हैं तो चार सन्यासी एक ही सिचुएशन में चार प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के निर्भर करता है, डिपेंड करता है इसमें। शास्त्रों में है आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है, किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेहल मेल नहीं करना चाहिए, किसी से सिर्फ बातचीत कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं, ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। ठाकुर ने बिल्कुल कर दिया एवरीथिंग, जैसे देख के साधुओं से तो मेल मिलाप हो सकता है,
लेकिन दुर्जन है उनसे नहीं हो सकता, विषयी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनसे बाबा दूर ही रहो। जैसे हमने सत्संग की बात कही, सत्संग करना बहुत असाधु कर, सत्संग करो, और दुर्जन है वो उसमें भी भगवान है बाबा, तुम दूर रहो। लोग कहते हैं अरे दुर्जन है आप लोग नहीं करेंगे तो कहीं नहीं बाबा, ये ठाकुर कर सकते थे दुर्जनों को, पापियों को कन्वर्ट वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करने जाते हैं और वो फंस जाते हैं, हाँ अपने, हाँ वो एक हम लोगों के लिए तो बड़ी सावधानी की बात कहते हैं लोग, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। जो अगर सब भक्त हैं तो सत्संग किया, हायर लेवल पे सत्संग कीजिए, दूसरे लेवल पे सत्संग मत कीजिए, दूसरे लोगों से मिलना उसको सावधान रहना चाहिए। भक्त अभक्त साधु असाधु सभी के हृदय में है, किंतु कुछ से कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों दूर से ही प्रणाम होता है बस। और आपो नारायण, जल जो है कई प्रकार का जल है, कोई ड्रिंकिंग वाटर है, कोई बेदिंग के लिए स्नान के लिए वाटर है, हम सब खुद ही जानते हैं क्या है। लेकिन अब दूसरी जगह ये भी है कि दृष्टांत है, लेकिन वहां पे भी व्यवहार का दृष्टांत नहीं है, दृष्टि का दृष्टांत है, अनुभूति का दृष्टांत है। बेलूर मठ में एक परमहंस आए थे, अवधूत परमहंस, तो वो खाना गए वहां पे, गंदे गंदा रहते थे, वहां खाने के लिए गए, यहाँ मैं से लोगों ने कहा नहीं नहीं हटो, तो जहां पे वो वेस्ट भेज पड़ा हुआ था, कुत्ते थे वहीं पे बैठ के, वहीं पे जो फेंका हुआ था उसमें से वो खरे लगे। ठाकुर ने देखा, ठाकुर देख के पहचान गए कि ये परमहंस है, ये विधि निषेध के परे चले गए। जैसे बच्चा है ना, विधि निषेध के परे है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। त्रिलंग स्वामी विधि निषेध के परे हो गए थे, वह आ जाते थे कलकत्ता बेलूर अपने वहां रहते थे, कभी कभी काशी नगर में आ गए, दिगंबर आ जाते थे, बिल्कुल बच्चे जैसे, वो टट्टी भी कर रहे हैं। अब लोग पहचानते थे उनको, भक्त लोग सदगुरु कहते थे, तो माताजी लोग जाते थे अरे अरे ये तो बाबा आ गए हैं, तो जाके उनको वो जहाँ टट्टी लगी हुई है उसको वो धोती थी। तो जैसे बच्चा है ना, बिल्कुल जैसा, हाँ खड़े होकर देख रहे, बताते हैं ये देखो ये इसको धो, बता रहे हैं हाँ ये देखो ये धो उसको धो। तो वो बहुत उच्च कोटि के संत, ये उस प्रकार के एक संत आ गए। ठाकुर ने उनको कहा हृदय को हृदय, ये परमहंस उच्च कोटि के संत है, मैंने विधि निषेध के परे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाला। तो जब वो जाने लगे तो उसके पीछे जाने लगा हृदय, तो पहले तो गुस्सा हुआ, उसके बाद में फिर वो आखिरी में जाते जाते कहा उसने कि जब गंगा का जल और गटर का पानी एक दिखेगा तब तुम उच्च उच्च अपने तब तुमको ज्ञान होगा। एक दिखेगा लेकिन व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा, ये बहुत उच्च कोटि की बात है, वेरी वेरी हाई। तो यहां पर वन वी हैव टू बी व्यवहार के स्तर पर रहना है, लेकिन उसमें हमेशा ये भाव रखना है कि जो भी है ये भगवान। गंगा जल में तो सब कुछ ही चलता है, डेड बॉडी है, ये वही चीज ठाकुर को। अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या यह क्या या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? इसे प्रश्न, बुराई यदि हो रही हो तो क्या करना है? श्री राम कृष्ण कहते हैं दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। और ये फिर कहानी है, इसमें संक्षेप में बोल दूंगा, एक जंगल में एक विषधर सर्प था और वहां के चरवाहे उससे दूर रहा करते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी वहां जा रहे थे, चरवाहों ने कहा कि आप महाराज उधर मत जाइए,
एक सर्प है, सांप है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मचारी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं, मेरे पास एक मंत्र है। और जैसे वे गए तो सांप फन उठाकर आया, उन्होंने मंत्र जपा, सांप जो है बिल्कुल शांत हो गया। तो ब्रह्मचारी ने कहा, पैर पर लौटने लगा, तो ब्रह्मचारी ने कहा, अरे तू हिंसा क्यों करता है, हिंसा छोड़ दे, मैं तुझे मंत्र देता हूं, इसको करेगा तो भगवान में भक्ति होगी, ईश्वर के दर्शन होंगे, तो हिंसा छोड़ देना। ऐसा कह के ब्रह्मचारी चले गए। उसने कहा कि मैं करूंगा, जब करूंगा, क्या करूंगा, इस मंत्र का जप कर। क्या मैं आऊंगा, वापस आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। अब चरवाहों ने देखा कि ये तो सांप जो है वो बिल्कुल फेरा मारते हैं तो भी नहीं भागता है, अटैक नहीं करता है। एक दिन पकड़ के उसको बुरी तरह उन्होंने मारा, उसके मुंह से खून निकलने लगा, समझे ये मर गए हैं, ऐसे छोड़ के वहां से चले गए। जब सांप को रात को होश आया तो धीरे से बिल में गया, हाथ पे चकनाचूर हो गए थे, थक गया था। उसके बाद मैं रात को निकल के थोड़ा बहुत कुछ घास पत्ती खाता, हिंसा छोड़ दी थी, जानवरों को नहीं खाता था। बहुत दिनों के बाद में, साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए, सांप की खबर ली। लोगों ने कहा कि वो तो मर गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं मर सकता जब तक मेरा मंत्र है। और उसके बाद उन्होंने जाकर उसको आवाज दी, वो धीरे धीरे आवाज सुनकर आया। और उन्होंने भक्ति भाव से पूछा, कहा क्यों कैसा है, कि मैं अच्छा हूं। इतना सात्विक हो गया था कि उसने जो मारा था वो सब भूल गया था। कहा कि नहीं बताओ क्या बात है। तो उसको याद आई कि इन्होंने जो इन्होंने चरवाहों ने मुझे मारा था, वो मुझे जानते तो नहीं थे कि मैं मेरा बदल गया है, वो मन बदल गया है, आपने तो कहा था। फिर महाराज, अच्छा तब क्या हुआ। ब्रह्मचारी जी बोले, क्या राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, फुफकारने से तुझे कब रोका था, फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया। यहां भी ये व्यवहार, ये आज जो बातचीत हो रही है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। और कल जो दूसरी बातचीत हुई थी, भगवान का नाम गुणगान करना, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल। इस तरह दुष्टों के साथ फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे वे अनिष्ट न कर बैठे, पर उन्हें विष, उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। तो ये आप लोग तो सब समझते हैं, संसार में आप रहते हैं, अपनी रक्षा करना तो आपको रक्षा करना ही पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद से एक दिन किसी ने पूछा था, स्वामी विवेकानंद से खेतरी के राजा ने यह पूछा था, क्या था, स्वामी जी ने पूछा था कि संसार में बुराई है, इसका क्या करना चाहिए, आपको यदि किसको मारने आवे तो क्या करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, माई प्रिंसिपल इज रेजिस्ट नॉट ईविल, जैसा मसीह ने, बाइबल में है ये, रेजिस्ट नॉट ईविल। अगर तुम्हारे को कोई अटैक करता है तो क्या करोगे, एक आदमी एक दाहिने गाल पे चांटा मारेगा, तुम बाएं गाल कर, उसका प्रतिकार नहीं करना। लेकिन स्वामी जी धीरे से और बोलते हैं, फॉर संन्यासिंस नॉट फॉर गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो रेजिस्ट करेगा, बुराई का प्रतिकार करेगा, अपने रक्षा के लिए करेगा, आवश्यक हो तो अस्त्र भी उठाएगा, जहां तक संभव हो किसी की हिंसा नहीं करेगा, दूसरे को कष्ट नहीं देगा, विष नहीं डालेगा, लेकिन फुफकारेगा, बताएगा कि भाई मेरे पास मत आना, तो मैं ठीक कर दूंगा। आप लोग तो सबको अनुभव है, जीवन में रहना पड़ता है, आपको कई प्रकार के लोगों से डील करना पड़ता है, देश काल पात्र के अनुसार करना है, किसी की हिंसा नहीं करना है, लेकिन अपनी रक्षा अवश्य करना। ये श्री राम कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं। और फिर श्री राम कृष्ण के अलग अलग शिष्य भी थे, और निरंजन आ रहे थे बोट में, और श्री राम कृष्ण के वो के निंदा कर रहे थे वो लोग, कुछ लोग नौकाओं में,
तो श्री रामकृष्ण को उसने गुस्सा आ गया, निरंजन मोटे पक्के पहलवान थे, वो नौका पे खड़े होकर नौका को हिलाने लगे। श्री रामकृष्ण की निंदा करेगे तो मैं तुमको नौका में डुबा दूंगा, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, तुम लोग सबको डुबा दूंगा। तो बेचारे चुप हो गए। योगी श्री रामकृष्ण के पास गए, श्री रामकृष्ण को ऐसी बात कही, कर ये क्या करता तू, वो तो मूर्ख है, कुछ समझते नहीं है, एक दो ने निंदा की थी उससे मेरा क्या फर्क पड़ने लगने वाला है, और तू सबको डुबाने वाला था। बड़े भयानक क्रोध, तो बड़ी भयानक चीज है क्रोध, तो चांडाल होता है। और योगेन आ रहे थे, उसी तरह की परिस्थिति, जब आके श्री राम कृष्ण को कहा कि महाराज आपकी निंदा कर रहे थे, मैंने कहा लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, निंदा करने से क्या फायदा होगा, क्यों गुरु की कोई निंदा करे और तू चुपचाप बैठा रहे, या तो उनकी जबान काट लेना चाहिए या फिर वहां से छोड़ के निकल जाना, चले जाना चाहिए, और तू चुपचाप बैठा रहा, कुछ प्रतिकार भी नहीं किया। विभिन्न परिस्थिति प्रकृति के लोगों के लिए श्री राम कृष्ण उपदेश करते थे। ये व्यवहारिक जीवन हमें भी देखना, हम कभी कभी, अब जैसे हम तो कॉलेज डेज में तो कई प्रकार के लोग थे, लड़के बोलते थे, करते थे, मन का मजाक करते थे, चिंता करते, उनसे झगड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। देश काल पात्र के अनुसार आपको रहना है, कहीं जगह से छोड़ना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी को धमकाना पड़ता है, ऐसा करके सब करना पड़ता। तो ये गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सन्यासियों के लिए भी इस प्रकार की बात है। वन हैज टू बी केयरफुल, अपने आध्यात्मिक जीवन को संभाल कर रखने के लिए बात है, बाकी प्रतिकार नहीं करना है, संसार अपने ढंग से चलेगा, सन्यासी को कुछ लेना देना ना, नॉट टू रिवेंज की तो बात ही नहीं है। बोलता है जीसस क्राइस्ट तो जन्म दिया कि इफ यू स्लैप्स ऑन वन आर्म यू पुट अनदर, इफ टेक्स योर कोट गिव द शर्ट आल्सो, दैट इज वेरी हाई, दैट इज द सन्यासी का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यू हैव टू बी केयरफुल, तो प्रैक्टिकल तो रहना ही पड़ेगा, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। पनिश ऑल्सो इज ए वर्शिप, सॉर्ट ऑफ ए वर्शिप। स्वामी अशोकानंद जी का एक आर्टिकल है, उसमें लेक्चर में उसने कहा है कि एक चोर है, तो चोर को क्या करोगे, उसको पकड़ के जेल में दोगे, क्यों, ये जेल देंगे उसकी, दिस इज ए, उसको ठीक करना, he needs to be reformed, he must needs to be punished, for that he improves. Of course, there are exceptions also, iske bhi. Pavahari Baba ka exception. वो भगवान देखते थे, सब में भगवान देखा, और कहते तो ये हैं कि सांप और नेवला, सांप या सांप और चूहा, वो उनके साथ एक साथ दूध पीते थे, और एक बार सांप जो है चूहे को पकड़ने गया तो रोकने गए, वो रोकने गए तो सांप ने उनको काट दिया था, बेहोश हो गए थे। सब में भगवान देखते थे, व्यवहार में भी भगवान, और चोर आया तो चोर के पीछे भागे, मालूम है ना कहानी, चोर के पीछे भागे, वो सामान छोड़ के भाग रहा था, सामान लेके भागे, और सारा सामान उन्होंने उसको दिया कि प्रभु आप घर में आए थे और आप मेरा ये काम कर रहे थे, गलती हुई, ये संभालिए, आपकी पूजा लीजिए। यहां वो नहीं हुआ, चोर को जेल में नहीं दिया, बट ही है सच पावर, सच आध्यात्मिक जीवन से ठीक ठीक भगवान इतना देखते थे कि बाद में वो चोर जो है वो संत बन गया, जैसा बंद बन गया कि स्वामी विवेकानंद ने अप्रिशिएट किया कि ऐसा उच्च कोटि का संत, उसके जीवन में लगा अरे ये संत मुझे ये कह रहे हैं और मैं ऐसा बुरा कार्य कर रहा हूं, उसके जीवन में बदल। तो ये दीज आर एक्सेप्शंस, यू नो दीज आर एक्सेप्शंस, ये अपवाद है, हमें देश काल पात्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। महाराज अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, तो वो
उस आदमी के साथ कि आप आपको ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए और आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चालू रखना चाहिए। अपने को सावधान रखना, अगली बार धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर आप धोखा खाए तो आपकी गलती है। कल रूल्स में नहीं पढ़ा हमने? ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।